हेलो स्टूडेंट, मैं देवधर पाठक नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम हमारे अवकलन के टॉपिक को पिछले वाले टॉपिक के आगे एक स्टेप और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने पिछली बार जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने एक्स वाई के मिक्सअप और इन्फाइनिट सीरीज़ को छोटा करके सवाल हल करने की कोशिश की थी। आज हम उसी के बड़े रूप को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो इसके लिए मैं आपको आज जो मेथड सिखाने जा रहा हूँ वो होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा अवकलन, तो हमारे पास एक चर था y, एक चर था x और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। मान लीजिए कि x किसी और पर डिपेंड हो और y भी उस पर डिपेंड हो, उस कंडीशन में आप इन दोनों की डिपेंडेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ सिखा रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स के सापेक्ष करना है। अब बताइए, अब आप कंफ्यूज होगा, बोला सर अभी तक तो डी वाई डी एक्स पढ़ा था, अब क्या करें, है ना। अब मुझे तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष पढ़ना, भाई तुमने साइन एक्स में मिलता था तो तुम पहले क्या करते थे, वाई बराबर साइन एक्स माना और तुम तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे कि कॉस एक्स लिख दिया। पर मैं कह रहा हूं मुझे एक्स के सापेक्ष करना ही नहीं है, मुझे तो इसको कॉस एक्स के सापेक्ष करना है, अब क्या करोगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं वो समझिए। ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, जैसे इसे मैंने वाई मान लिया, वाई बराबर साइन एक्स, ठीक है ये मैंने मान लिया, और इसे मैंने जेड मान लिया, जेड बराबर कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं यहां अवकलन करता हूं तो क्या आएगा, मैं इसे लिखूंगा या डी वाई डी एक्स। अब देखो ये चीज समझो, ये तो वाई है और ये जेड है, ये तो वाई है ये जेड है, मगर दोनों डिपेंड किस पर है, एक्स पर, है ना। तो दोनों का अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा, तो इसको मैंने किया कॉस एक्स और इसी तरह इसका अवकलन निकाला तो वो आ गया माइनस का साइन एक्स। नाउ अब मैं आपसे कहूं कि अगर मैं, अब समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं साइन एक्स का अवकलन चाहता हूं किसके सापेक्ष, कॉस एक्स के सापेक्ष, यही है ना मेरे सवाल का मतलब, जो मैंने सवाल बोला उसका मतलब यही है ना कि मैं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स के सापेक्ष चाहता हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो भाई साइन एक्स तुमने क्या माना था, वाई, और कॉस एक्स तुमने क्या माना, जेड, इसका मतलब मुझे डी वाई डी जेड चाहिए। मैं कैसे निकालूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं डी वाई डी एक्स अपॉन डी जेड डी एक्स। अब आप देख सकते हैं कि डी एक्स से डी एक्स कट गया तो डी वाई डी जेड मिल जाए। डी वाई डी एक्स हमने निकाला कॉस एक्स और ये हमने निकाला माइनस साइन एक्स, तो सॉल्व करने पर मुझे मिल जाएगा कॉट एक्स, जो कि मेरा अभिष्ट डी वाई डी जेड है। उम्मीद करो आपको ये बात समझ में आई कि हम कैसे दो अलग अलग चर की तीसरे चर पर डिपेंडेबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम और लेते हैं, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे टेन एक्स का अवकलन e की घात x के सापेक्ष चाहिए, तो मैं कैसे हल करूं, तो मैं मान लेता हूं कि y बराबर टेन एक्स और z बराबर e की घात x। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये होगा डी वाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष, जो कि होगा sec स्क्वायर x, और यहां मैं निकालूंगा dz dx जो कि होगा e की पावर x। तो इसलिए वापस फिर अपने सवाल पर आ जाए कि भैया tan x का अवकलन e की घात x के सापेक्ष निकालना है, मतलब dy dz निकालना है, then same process dy dx upon dz dx, और हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन e की पावर एक्स। उम्मीद करूं आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है,
अब इसी को आपके बुक के क्वेश्चंस के आधार पर या बुक की थ्योरी पर समझते हैं। कई बार सवाल ऐसे नहीं देगा लिखा हुआ कि इसका अवकलन इसके सापेक्ष ज्ञात करो। कई बार सवाल कैसे देगा, जैसे सवाल देगा x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस टी, तब dy dx निकालो। सवाल ऐसे दे देगा, ठीक है। अब देखो यहां x है और y है, z नहीं है, लेकिन मैंने थ्योरी क्या समझाई थी कि ये वाला चर भी इस पे डिपेंड करेगा और ये वाला चर भी इस पे डिपेंड करेगा। तो देखो दोनों चर डिपेंड किस पे कर रहे हैं, तो देखो x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है ना, दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहां तो हम निकालेंगे dx अपॉन dt जो कि आएगा cos t, और यहां मैं निकालूंगा dy अपॉन dt जो कि आएगा माइनस का sin t। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि भाई वो dy dx जानने में इंटरेस्टेड है, तो मैं dy dx कैसे निकालूंगा, तो मैं इसे लिखूंगा dy dt अपॉन dx dt। आप देख सकते हैं यहां dt से dt कैंसिल हो गया तो dy dx आ जाएगा, तो बस हमें यहां dy dt का मान रखना है जो कि कितना है माइनस साइन t, और इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos t, है ना। हमारा आंसर आ जाएगा माइनस टेन टी। हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से आपका आंसर जो होता है ना वो उस डिपेंडेबल चर की फॉर्मेट में ही निकलता है। जैसे यहाँ ये दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं तो आंसर t की फॉर्मेट में ही प्राप्त होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, मान लेते हैं मैं आपको क्वेश्चन देता हूं x बराबर log z या log की जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, x बराबर साइन थीटा और y बराबर cos 2 थीटा, क्लियर। अब दोनों डिपेंड हो गए, अब मैं इसमें dx d थीटा निकालूंगा जो मुझे cos थीटा प्राप्त होगा, और इसमें मैं dy d थीटा निकालूंगा, तो cos 2 थीटा का तो हो गया माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2। 2 थीटा बिल्कुल ऐसे व्यवहार करेगा जैसे 2x व्यवहार करता है, ठीक है ना। जब हम अवकलन करते, सोचो जब हम अवकलन करते cos 2x का x के सापेक्ष, तो हम इसे कैसे करते माइनस साइन 2x, फिर उसके बाद हम 2x का अवकलन करते ना जो हमें मिलता माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक सेम फॉर्मेट में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ में आया। तो अब मुझे चाहिए dy dx, तो सेम प्रोसीजर dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। सो dy d थीटा है माइनस 2 साइन 2 थीटा और ये है cos थीटा। इसे अपन हल करें तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास वाला, उम्मीद करूँ आपको याद होगा, और ये cos थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा dy dx हमें प्राप्त होगा माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन समझाता हूं, मान लेते हैं सवाल हमसे कहता है कि यदि यदि x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t और x6 प्लस y6 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, तब dy dx ज्ञात कीजिए। मान लो आपसे सवाल कहता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उस कंडीशन में हम इस सवाल को सॉल्व करें, तो मैं क्या करता हूँ ये मिटा देता हूँ, ये दो कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिया है ये और ये, तो इसे समीकरण एक ले लेते हैं, इसे समीकरण दो ले लेते हैं, ठीक है।
मैं आपसे कहता हूं कि समीकरण एक का वर्ग करने पर, तो मैं इसे लिखूंगा x क्यूब प्लस y क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन टी का होल स्क्वायर। देख सकते हैं मैंने इसका वर्ग कर दिया, ठीक है। होल स्क्वायर खोलना हम सभी को आता है, क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरह इसे ओपन करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सॉल्व करने पर हमें यहां मिलेगा x की पावर 6, ये y की पावर 6, ये 2x क्यूब y क्यूब, ये t स्क्वायर, ये 1 अपॉन t स्क्वायर, ये प्लस 2। उम्मीद करूं यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है। अब समीकरण 2 से हम इसका मान रखें तो ये 2 किसके बराबर है, इसी के। तो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू उठाकर रख देता हूं, तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा, बाकी सब आपको एज इट इज लिख देना है। और यहां मैं आगे लिख देता हूं रीजन कि समीकरण 2 से हमने वैल्यू उठाकर रख दिया, ठीक है। अब आप देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, वन अपॉन टी स्क्वायर से वन अपॉन टी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू टू, क्लियर। अब यहां 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। उम्मीद करूं यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूं जिससे हमारे पास लिखने के लिए एक परफेक्ट स्पेस हो जाए। अब मैं आपसे कहता हूं कि हम लिखते हैं वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 3y² dy dx और ये हो जाएगा -3 upon x की पावर 4, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि d/dx of 1 upon x की पावर n इज इक्वल टू -n upon x की पावर n+1। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, तो अब हम देख सकते हैं कि 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाऊँ तो -1 upon x की पावर 4 y² और यही हमारा dy/dx है जो सवाल ने हमसे पूछा था, ठीक है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं सवाल ऐसे पूछे कि dy/dx निकालो, सवाल क्या कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दें अगर अपन, ठीक है। सपोज करो अपन इधर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा x की पावर 4 y² dy/dx इज इक्वल टू -1, ठीक है। और 1 को भी अगर मैं इस साइड ले आऊं तो हो सकता है कि इसे लिखा जाए x की पावर 4 y² dy dx + 1 = 0। सवाल आपको ये दे दे डायरेक्ट ही कि सिद्ध करो ये, कोई जरूरी नहीं सवाल dy/dx पूछे, ये दे दे लिख के कि सिद्ध करो ये आएगा, तो भी प्रोसीजर वही होगा, ठीक है। मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी कि फॉर्मेशन इसमें कैसे चेंज होती है, ठीक है। अब ये वास्तव में आप एक्सरसाइज नंबर 7.4 अपनी स्टडी करेंगे तो आपको ये वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में आपके चैप्टर 7 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.4 में दिए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसी में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको समझाने के लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हम सॉल्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भाई आपको दिया है x = sin³t / √cos²t / y = cos³t
अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तब dy dx ज्ञात करना। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले मैं x वाला पार्ट लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। इसे ध्यान से देखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और राजस्थान बोर्ड की कई बुक्स में सन 2007 से पहले जो बुक्स चलती थी उनमें भी ये इम्पॉर्टेंट इंक्लूडेड था। उसके बाद जब NCERT सिलेबस चेंज हुआ तब भी ये था, फिर 2017 में जब सिलेबस चेंज हुआ तब भी ये था, और अब भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर फोकस करते हैं हम। इसमें यू अपॉन वी का सूत्र लगाएंगे हम, दोनों और टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन करने तो ये तो हो जाएगा dx अपॉन dt, या u बटे v का सूत्र रहेगा, तो क्या होगा, नीचे वाले का तो स्क्वायर, हर का स्क्वायर, फिर अंश का अवकलन, ठीक है, फिर माइनस अंश और फिर हर का अवकलन। ये मैंने x लिख दिया है, यहां टी लिख देता, सूत्र अगर आपको याद हो तो आप चेक कर सकते हैं, हमने जो उसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। फिर हम इसे हल करते हैं, क्या आएगा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो आया अंडर रूट कॉस 2t, इसका आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन का करेंगे तो कॉस टी, ये क्लियर है। फिर माइनस साइन क्यूब टी, अब इसका करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा है इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स का अगर आपको याद हो 1/2 √x, तो 1/2 √, और जो भी हमने एक्स माना वो। अब कॉस 2t का करेंगे तो कॉस 2t का क्या होगा, माइनस का साइन 2t, ओके। अब 2t का करेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है, और अपॉन में कॉस 2t तो हमारे पास है ही, क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूं देखिए, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, 2 से 2 कट गया, लघुत्तम लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हम अब लिखते हैं कॉस 2t, ये वाला एज इट इज 3 sin² t cos t, माइनस साइन क्यूब टी, फिर ये माइनस को मैं इससे मल्टीप्लाई करा के प्लस कर देता हूँ, ये 2 और 2 तो कट ही गए, हमारे पास क्या बचा यहाँ, साइन 2t, ठीक है, यही बचा ना, गौर से देख लीजिए, और अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t, और इस पूरे के अपॉन में ये वाला कॉस 2t। यहाँ तक उम्मीद करूँ कि आपको समझ में आया जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, देखो यहाँ साइन 2t का सूत्र लगाते हैं और इन दोनों को गुणा कराते हैं, ठीक है। इन दोनों का गुणा कैसे आएगा, जैसे इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये x हो गया, ये अंडर रूट x हो गया, और x और अंडर रूट x को अपन गुणा कराते हैं तो घात कितनी हो जाती है, 3/2, तो बस इनका भी ऐसे ही हो जाएगा, घात हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अब हम इसको लिखते हैं कॉस 2t 3 sin² t cos t प्लस साइन क्यूब टी 2 sin t cos t और अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। उम्मीद करूं ये आपको समझ में आ गया, ये 3/2 कैसे आ गया, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां तो हो रहा साइन की पावर 4, यहां है साइन स्क्वायर, कॉमन क्या आया, साइन स्क्वायर,
यहाँ आ रहा है कॉस, यहाँ आ रहा है कॉस, कॉमन आ गया कॉस, तो जो कॉमन वाली चीज़ है ना उसको हम कॉमन निकाल देते हैं, तो साइन स्क्वायर टी और कॉस टी ही कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या मेरे पास, तो एक तो तीन बच गया यहाँ, एक कॉस टू टी बच गया, क्लियर। फिर प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक तो दो बचेगा और साइन की पावर फोर थी, हमने साइन स्क्वायर निकाल दिया तो साइन स्क्वायर बच गया, ठीक। और अपॉन में कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू, ये हमने जो निकाला दैट इज डी एक्स डी टी। यहाँ तक उम्मीद करूँ आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू आपने ली ना इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, जिससे बाद में जब हम यूटिलाइज करें तो हम ले सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और यहाँ हम सॉल्व करके जो लाए उसे मैं लिख देता हूँ, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी कॉस टी थ्री कॉस टू टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ये मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमने निकाला डी एक्स डी टी। अब हम लेते हैं y की स्टेप को, तो मैं लिखता हूं अब y बराबर cos क्यूब टी अपॉन अंडर रूट cos 2t। फिर वही तरीका दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं क्या आएगा, तो यहां तो आ जाएगा dy dt। यहां हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे u अपॉन v का, जो उम्मीद करूं आपको सूत्र याद होगा, है ना। तो हम यहां लिखते हैं वही हर का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, फिर हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट कॉस टू टी, कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, है ना। थ्री कॉस स्क्वायर तो कॉस क्यूब का हो गया और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो दोनों लिख दिए ना, माइनस आगे और साइन पीछे, फिर माइनस, फिर ये हो गया कॉस क्यूब टी। इसका वो करेंगे तो सेम जो अपन ने पिछली बार करा था ना सेम वही अवकलन अब की बार भी होगा, तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आप पीछे वाले अवकलन से देख सकते हो कि अपन पीछे क्या करके आए थे, ठीक है। तो कॉस टू टी का ये हो गया और कॉस टू टी का क्या होता है माइनस साइन टू टी और फिर टू टी का टू और अपॉन में कॉस टू टी, ठीक है। अब फिर वही तरीका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो से दो कट जाएगा और जब मैं लघुत्तम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेम कॉस टू टी माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस क्यूब टी साइन टू टी और अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी और पूरे के अपॉन में कॉस टू टी एंड दिस इज डी वाई डी टी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको सेम वही वाला काम करना है जो हमने पिछली बार किया था, साइन टू टी का तो फॉर्मूला रख देना है टू साइन टी कॉस टी और इन दोनों को बड़ा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी थ्री बाई टू, सेम प्रोसीजर हम वर्क करते हैं, तो ये आएगा कॉस टू टी माइनस थ्री कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी टू साइन टी कॉस टी और अपॉन में कॉस टू टी की पावर थ्री बाय टू। उम्मीद करूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ,
जैसा कि मैंने कहा था ये सवाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका इम्पॉर्टेंट होने का कारण बस यही है कि थोड़ा सा ही साइज में बड़ा हो जाता है ना। तो अब हम इसे हल करते हैं। अब आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर और यहाँ कॉस इस कॉस से गुणा हुआ तो कॉस की पावर 4 हो रही है, मतलब कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर टी। फिर देख सकते हैं साइन टी यहाँ भी है, साइन टी यहाँ भी है, तो मैंने साइन टी कॉमन निकाल दिया, तो साइन टी। अब बचेगा क्या, तो यहाँ क्या बचा, सबसे पहले एक तो बचा माइनस का 3, तो ये माइनस 3, फिर बचा कॉस 2t, तो ये रहा कॉस 2t। फिर यहाँ क्या बचेगा, तो एक तो बचा 2, फिर कॉस की पावर 4 थी, हमने स्क्वायर निकाल दिया तो स्क्वायर बच गया, और बट्टे में कॉस 2t की पावर 3/2, दिस इज dy/dt जो हमने प्राप्त किया। ठीक है, अब हमारा खेल शुरू होता है वही पुराना कि हमें dy/dx निकालना है जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे निकालते हैं, तो इसलिए dy/dx तो हम कैसे लिखेंगे कि भैया dy/dt और अपॉन में dx/dt, क्लियर। अब dy/dt तो ये रही, तो हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइज करता हूँ इसको प्रॉपर वे में, कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी और अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में dx/dt रखेंगे, तो dx/dt क्या आएगा, dx/dt ये रहा जो हमने पहले ही लिख दिया था, तो वो क्या है, साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी और अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। अब आप देख सकते हैं, जैसे इसको मैं ब्रैकेट में रख दूं और इसको भी मैं ब्रैकेट में रख दूं, तो हम देख सकते हैं कि कॉस 2t की पावर 3/2 से कॉस 2t की पावर 3/2 तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, तो मैं बचा हुआ लिखता हूँ कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर बचेगा माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखते हैं कटता क्या है, तो देखिए इस कॉस से ये कॉस गया तो ऊपर एक कॉस बच गया। ठीक है, और ऐसे ही नीचे साइन बच जाएगा, इसके साथ हमारे पास बचेगा माइनस 3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी और नीचे बचेगा 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अब इस dx/dt से भी हमारा कोई काम नहीं, तो इसको भी हटा देते हैं। अब यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप सभी ने 11th क्लास में सूत्र पढ़े थे है ना, cos 2a के या cos 3a के, दोनों पढ़े। मैं आपको बात करता हूं, देखिए आप सब ने cos 2a के दो सूत्र पढ़े थे, एक तो 1-2 sin स्क्वायर a और एक पढ़ा था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दो सूत्र थे। अब अगर हम गौर से यहां देखें तो हम पाएंगे कि ऊपर अगर इसको आप हटा दें cos 2t की टर्म को, तो ऊपर cos cos की टर्म बन रही है और नीचे sin sin की टर्म बन रही है, तो ऊपर तो हम cos का फॉर्मूला लगाएंगे cos वाला, क्योंकि बाकी के भी cos ही हैं, और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे cos का sin वाला, क्योंकि बाकी के टर्म भी sin ही है। तो हम यहां इसको लिखते हैं cos t माइनस 3, अब कॉस वाला फॉर्मूला वो लगेगा तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन, नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, तो ये आएगा 3 1-2 साइन स्क्वायर टी
प्लस टू साइन स्क्वायर टी। आप इस सवाल के बड़े साइज से बिल्कुल भी ना घबराएं, बस अब सवाल समाप्ति पर है तो आप फोकस करें। देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सिक्स कॉस स्क्वायर नेगेटिव का और ये है टू कॉस स्क्वायर पॉजिटिव का, तो हमारे पास क्या बचना चाहिए? ठीक है, माइनस थ्री को माइनस वन से गुणा कराया तो थ्री, माइनस ये सिक्स था ये टू था, तो हमारे पास फोर कॉस स्क्वायर बच गया। क्लियर? ऐसे ही सेम नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम देखते हैं ये तो आया थ्री और ये आएगा माइनस सिक्स साइन स्क्वायर और प्लस का टू साइन स्क्वायर, देन सेम यहां पर साइन स्क्वायर टी बच जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस बाहर निकाल देता हूं तो ये माइनस कॉस टी और मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर कॉस स्क्वायर टी माइनस थ्री अपॉन साइन टी, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर टी। ये मैंने माइनस बाहर क्यों निकाला, ये अभी आपको दो लाइन के बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ मत करिए, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी और नीचे बनेगा थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। थोड़ा सा अपने दिमाग पर गौर करिए और याद करके मुझे बताइए ये ऊपर फॉर्मूला किसका है और ये नीचे फॉर्मूला किसका है। आप 11th क्लास में पढ़कर आए इस फॉर्मूले को, ठीक है, बताइए किसका फॉर्मूला होगा, गैस कीजिए। गुड, ये फॉर्मूला बनता है कॉस 3t का और ये फॉर्मूला बनता है साइन 3t का। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, जिससे हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाए और ये बन गया माइनस का कॉट 3t, योर फाइनल आंसर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए हमारा dy dx जो है ये माइनस कॉट 3t होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन है और मैंने आपको इसे पूरा सॉल्व करके दिखाया है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। किसी भी किस्म का कोई भी परेशानी होने पर या डाउट होने पर स्कूल के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।